हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैम अप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी DIY रेमेडी जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा है तो बहुत लोगों की स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा डल फील करती है, चेहरा काला पड़ने लगता है, स्किन पर कोई ग्लो नहीं होता, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और फटी फटी फील करती है। तो आप इस DIY पैक को ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन से ड्राइनेस को दूर करेगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा और स्किन को ग्लोइंग और शाइनी बनाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें इस DIY रेमेडी को किस तरीके से बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको एक क्लीन बोल लेना है। उसके बाद आप इसमें ऐड करें 1 चम्मच ग्राम फ्लावर यानी बेसन। आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच बेसन ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसे अपनी नेक पर भी अप्लाई करना है तो आप इसमें 2 चम्मच भी ले सकते हैं। क्वांटिटी आपको जहाँ पर भी अप्लाई करना है उस हिसाब से इसको ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच बेसन लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हनी। हनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील कर रही है, फटी फटी फील कर रही है, स्किन पर कोई शाइन नहीं है, ग्लो नहीं है, तो हनी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इसमें 1 चम्मच हनी ऐड कर लीजिए। हनी आपके चेहरे से कालापन हो गया, जैसे कि सर्दियों के मौसम में स्किन काली पड़ने लगती है, तो यह आपके स्किन को शाइनी बनाएगा और ग्लोइंग बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है 1 से 2 चम्मच रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। आपको कच्चा दूध ही लेना है, बॉयल मिल्क नहीं लेना है। कच्चा दूध आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा, स्किन को स्पॉटलेस बनाएगा, पिगमेंटेशन दाग धब्बे हैं तो वो भी दूर होंगे। अगर आप इस पैक को रेगुलर यूज़ करोगे तो स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। और आपको इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। बहुत ही स्मूथली आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। तो अब हमारा DIY इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग पैक एकदम रेडी हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अब बात करते हैं कि इसे यूज़ किस तरीके से करना है। यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यूज़ करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद इस पैक को आपको स्मूथली मसाज करते हुए अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको अपने फेस को ज़ोर ज़ोर से बिल्कुल नहीं रगड़ना है, बहुत ही स्मूथली मसाज करनी है ताकि आपके फेस पे, अगर आप बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ के करोगे अपने फेस पर मसाज तो क्या होगा कि आपके स्किन पर पिंपल्स हो जाएंगे, स्किन को हार्म हो सकता है। तो बहुत ही स्मूथली मसाज करनी है और कम से कम आपको 1 से 2 मिनट तक मसाज करनी है और उसके बाद इस पैक को 15 से 20 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके पहले यूज़ से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी हो जाएगी, स्पॉटलेस हो जाएगी, स्किन पर कोई दाग धब्बे, एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन नहीं रहेगा, स्किन स्पॉटलेस हो जाएगी, स्किन से ड्राइनेस दूर होगी और आपकी स्किन यंग, ग्लोइंग और यूथफुल दिखेगी। तो आपको क्या करना है, अच्छे से मसाज करनी है और इस पैक को आप अपनी नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके नेक पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो गई है, आपके हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई फील कर रहे हैं, फटे फटे फील कर रहे हैं, सर्दियों के मौसम में तो नॉर्मल ही है, फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई फील करता है, हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो इसको आप अपने हैंड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप इस DIY पैक को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इफेक्टिव है, इससे आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होगा बल्कि आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। और गाइस, मार्केट के महंगे महंगे फेस पैक यूज़ करने की बजाय अगर आप घर के बने हुए यूज़ करोगे तो आपको स्किन पर कोई हार्म नहीं होगा। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।